बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम आपकी ग्रेड नाइन क्लास नाइन की बायो की इस बुक से अपना अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में मेरी तरफ पढ़ा था, उससे आगे हम स्टडी करेंगे। तो चले आए बच्चों, अब हम इस बुक से आगे स्टडी करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा चल रहा है यूनिट नंबर टू, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सो हम लोगों ने कुछ उसमें क्या कहते हैं उसके पॉइंट्स पढ़े थे, जिसमें हमने बताया था लास्ट क्लास में रिपोर्टिंग और द रिजल्ट, कि साइंटिस्ट किस तरह से जो उनका रिजल्ट अक्कर होता है वो रिपोर्ट करते हैं ऑन न्यूज़पेपर्स, और उसके बाद पता चलता है कि आया बहुत सारे साइंटिस्ट उससे इतफाक करते हैं या नहीं। उसके बाद एक साइंटिफिक थ्योरी पेश की जाती है। अब ये आपका जो सेकेंड लास्ट स्टेप होता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने का, इसमें क्या होता है, व्हेन अ हाइपोथेसिस इज प्रूव्ड बाय अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट देन इट इज कॉल्ड साइंटिफिक थ्योरी। जब हाइपोथेसिस आपका प्रूव हो जाता है कि आया इन बिहाइंड इन अ प्रॉब्लम देयर विल बी अ सॉलिड रीजन बिहाइंड दिस प्रॉब्लम, सो दैट कैन बी मेक अ साइंटिफिक थ्योरी। अ थ्योरी रिमेन्स वैलिड एज अ लॉन्ग एज देयर इज नो एविडेंस टू डिसप्रूव इट। ये जो थ्योरी पेश होती है ये तब तक क्या कहते हैं सर्वाइव करती है, वैलिड रहती है, जब तक उसको डिसप्रूव करने के लिए कि यार इस थ्योरी के ये थ्योरी गलत है, तब तक उसको डिसप्रूव करने के लिए कोई और थ्योरी ना पेश हो जाए। सो साइंटिफिक थ्योरी का जो प्रोसीजर होता है ये एक लॉन्ग टर्म चलता है, ठीक है। उसके बाद होता है एन एक्सप्लेनेटरी थ्योरी विच इज गिव इन अ फाइनल सोल्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड मे सजेस्ट न्यू द डिफरेंट हाइपोथेसिस कॉल्ड प्रोडक्टिव थ्योरी। सो ये जो हाइपोथेसिस होते हैं ये जब कहते कामयाब हो जाते हैं, जो एक नया हाइपोथेसिस आ जाता है, सो वो तब तक डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता जब तक कोई न्यू हाइपोथेसिस उसको आके ये चैलेंज ना कर सके, और ये फिर एक लॉन्ग रन पे चलता है। उसके बाद आता है साइंटिफिक लॉ। अब साइंटिफिक लॉ क्या होता है, व्हेन अ प्रोडक्टिव थ्योरी एस्टैब्लिश दैन अदर साइंटिस्ट आस्क क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंट एंजल्स टू अंडरस्टैंड दिस थ्योरी। जब एक नई थ्योरी पेश जाती है तो बहुत सारे साइंटिस्ट कड़जोड़ करते हैं, उस मामले बैठते हैं कि यार आया ये जो थ्योरी पेश की गई है इसके पीछे बिहाइंड मोटिव्स क्या है, और आया ये करामत है कि नहीं है, और उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दे आल्सो फॉर्मुलेट अदर हाइपोथेसिस टू कंफर्म दिस थ्योरी। वो फिर अलग किस्म के हाइपोथेसिस भी करते हैं ताकि वो इस थ्योरी को कंफर्म कर सके। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि मलेरिया पेशेंट्स के अंदर प्लास्मोडियम प्रेजेंट होता है, सो आया प्लास्मोडियम इज अ मेन रीजन ऑफ स्प्रेड अ पेंडेमिक ऑफ मलेरिया। सो साइंटिफिक लॉ आर आल्सो कॉल्ड अ लॉ ऑफ नेचर बिकॉज दे आर परमानेंट रूल्स ऑफ नेचर। साइंटिफिक लॉ जो होता है ये परमानेंट लॉ होता है बेसिकली, क्योंकि इसमें ये होता है कि जो क्या कहते हैं इसके पीछे जो एरर्स ऑफ ऑपरेशन जो होते हैं उनकी क्या कहते हैं गुंजाइश नहीं बचती, मतलब जो रिजल्ट आया होता है इट कैन बी ट्रू। साइंटिफिक लॉ आर ऑलवेज ट्रू, देयर इज अ फॉर्म ऑफ शॉर्ट स्टेटमेंट एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेड। साइंटिफिक लॉ हमेशा जो होता है ट्रू ही होता है, बेसिकली बिहाइंड उसके अगर हम जाने तो उसका उसकी मकसद ही होता है कि वो ट्रू इस वजह से होता है क्योंकि इट कैन बी रीच विद आफ्टर क्लियरिंग मैनी कॉन्सेप्ट मैनी स्टेप्स, ठीक है, बहुत सारे स्टेप्स को रीच करने के बाद वो तक पहुंचा होता है। सो उम्मीद है कि आपको साइंटिफिक लॉ समझ आया होगा। अगली क्लास में हम आपको केस ऑफ मलेरिया की एग्जाम्पल देंगे बायोलॉजिकल मेथड में। तो अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।